सेना। हाँ भाई, ये सब क्या हुआ? अरे अपने काम से काम रखो। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, काइंडली बताइए कौन लोग हैं और कहाँ से आते हैं? इंसान है, जानवर नजर आ रहे हैं तुम्हें। तो जितनी चर्बी तुम्हारी आंखों पर चढ़ गई है ना, इंसानी की तो तमीज रही नहीं है तुम। अगर आपका तंज खत्म हो गया तो बता सकती हैं ये लोग कौन हैं? मुझे तुम्हें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। साबरा ये लेके चली जाओ। रमजान ये आप उसको अलग रखो। चले नहीं आता कि आप अपनी आपस से इतना दबते क्यों? क्यों आपको इस तरह से ट्रीट करती हैं? बड़ी बहन होने का हरगिज मतलब ये नहीं है कि जो जी में आएगा करती रहेंगी। ये घर हमारा है, हम क्यों उनकी मर्जी से यहां पर हैं? ठीक कह रही हो तुम, मुझे आपस से बात करनी होगी। बिल्कुल सही, बात करें उनसे, बल्कि अभी जाके बात करें। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जिस अंदाज में मैंने आपसे बात की। ये आपका घर है, उनका नहीं। इतना ही शौक है रोक जमाने का तो जाए ना अपने घर, अपने मियाँ बच्चों पे रोक जाए। हम कोई उनके गुलाम थोड़ी हैं। आपने देखा किस तरह से उन्होंने हमारे घर को ऐसे वेलफेयर ट्रस्ट बना रहे हैं? बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रही है बात। इतनी फजूल खर्ची, गरीबों को खाना खिलाया जा रहा है, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। मेरे सर में शदीद दर्द है। कॉफी मिल सकती है मुझे? आप क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे हैं असफन? घर में बंदा सुकून के लिए आता है, लेकिन इस घर में तो एंटर होते ही डिप्रेशन शुरू हो जाता है। मैं आपको बता रही हूँ असफन, जब तक इंजा आप यहाँ से नहीं जाएंगी ना, हम इसी तरह परेशान रहेंगे और उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि वो यहाँ से जाने का नाम क्यों नहीं ले रही। क्योंकि उन्हें खुशी मिलती है हमें परेशान करके। आपको याद है जब मीनू मीनू छोड़ दो इसका पीछा, मत किया करो इसका जिक्र। तंग आ गया हूं इस कंपैरिजन से। बात कोई भी हो तो उसको बीच में जरूर ले आती हो। मेरा दिमाग खराब है, पता नहीं क्यों उसका जिक्र कर।